पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों व क्षेत्रवासियों द्वारा पुलवामा में हुए आत्मघाती निंदनीय आतंकी हमले में शहीद जवानों को पैदल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान व आतंकवाद का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया गया। व संस्था के संस्थापक आर के सैनी उर्फ राजेंद्र भैया ने कहा, हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से मांग की, आतंकवाद पाकिस्तान के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भारत की नागरिकता रद्द की जाए। इस पैदल मार्च में राजेंद्र सिंह, सत्यपाल प्रजापति, वीपी सिंह, राजीव राजपूत, सोनू, कपिल सक्सेना, गोलू अरोड़ा, कौशल यादव, सुखवीर, रामजी पांडे, सरोज देवी, गीता पांडे व क्षेत्रवासी अधिक संख्या में उपस्थित रहे। देखिएगा, आप अभी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान और आतंकवाद के द्वारा जिस तरीके से आत्मघाती हमला हमारे देश के वीर जवानों पर किया गया है, वो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। घटना क्या है, पूरा प्री प्लानिंग के साथ ये किया गया है। सामने से लड़ते तो हमें सबर होता, पीछे से हमला करके हमारे देश के वीर जवानों को बम से उड़ाने का काम किया, बारूद से उड़ाने का काम किया। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना, इस चीज़ से हम लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है। और भारत की जनता अब मांग करती है, अब समय नहीं रहा। बार बार पाकिस्तान को समय दिया गया, सुधर जा, लेकिन अब न आतंकवाद को समय दिया जाएगा, न पाकिस्तान को समय दिया जाएगा। और कड़े निंदों में मैं शब्द करता हूँ, कड़े निंदों में मैं जो है निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में, जो पाकिस्तान और आतंकवाद के समर्थक हैं उन्हें सबसे पहले शूट किया जाए चौराहे पर खड़े होकर के, क्योंकि आतंकवाद को समर्थन देने वाले जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो भारत के अंदर पाकिस्तान के समर्थक हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, जिस तरीके से लगभग 40-44 जवान जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनके लगभग 400 जवान पाकिस्तान के शहीद करे जाए और पाकिस्तान को लगभग नष्ट कर दिया जाए। मेरी प्रधानमंत्री जी से मांग है, आने वाले समय में आतंकवाद और पाकिस्तान 10 बार सोचे हिंदुस्तान पर हमला करना है या नहीं करना है। मैं प्रधानमंत्री जी से दृढ़ निवेदन करूंगा, अब बहुत हुआ, सबर खत्म हो गया, बांध टूट गया है, बस एक्शन की जरूरत है। जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, अब जरूरत है उससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसको औकात उसकी बतानी चाहिए। और मैं सुन ले, सभी जितने भी समर्थक हैं पाकिस्तान के, मुझे कहीं भी अगर पाकिस्तान के समर्थक मिले या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मिले, वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, मैं किसी भी हाल में नहीं बख्शूंगा उनको। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का बयान रहा है कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बयान को? देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से पिछली सरकारों में कई सारे आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता था, खानापूर्ति की जाती थी। हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिस तरीके से आज वो जनता को और भारत को देखते हुए और हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा है, खुद कहा है, आज के अखबार में मैंने पढ़ा है कि अब सब्र नहीं, सब्र बहुत हुआ, अब एक्शन की आवश्यकता है, भारत की जनता चाहती है। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अब एक्शन होगा।